क्यों विनोद, पंचायत देख रहे हो ना? मजा आ रहा है ना देखकर? फुलेरा की दुनिया में तुम भी जाना चाहते हो ना? ये यूपी वाला जो एक्सेंट, ये जॉनर दिखाया गया, इसको तुम भी एक बार फील तो करना चाहते ही हो जीवन में। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। फुलेरा यूपी में नहीं बल्कि जयपुर में है, चल छुट्टी, और इसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में रह गए ना हैरान सुनकर। अच्छा, लेकिन यार ये जो यूपी वाला एक्सेंट है, यूपी वाला जॉनर है, ये हमें बड़ा पसंद आता है, बड़ा कूल सा लगता है, कूल सा लगता है। तुम्हें पता है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बॉलीवुड में बहुत बार हो चुका है। कुछ ऐसी वेब सीरीज, कुछ ऐसी मूवीज है जो हमारे दिल के बड़े करीब है, और अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो कहाँ देख सकते हो, ये आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना यार। भाई इतनी गर्मी है, उसमें मेकअप करके तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ, कुछ तो तुम भी रहम करो मुझ पे। हाय गाइस, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हो क्या, फिल्म विजार्ड गर्ल। यार सबसे पहले नंबर पर अगर मैं मिर्जापुर की बात ना करूँ तो ये तो मिर्जापुर के साथ गलत होगा यार। मिर्जापुर के दो सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरे सीजन का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं प्राइम वाले कब रिलीज करेंगे यार। अब पंचायत दे दिया, मिर्जापुर भी दे दो यार। बाकी यार मैं कह रही हूँ कि इस बार हमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और गोलू गुप्ता, ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, और हमें पता है कि भाई इन तीनों में से, चारों में से कौन गद्दी पर बैठने वाला है, यही इस बात का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या नई पंचायत होने वाली है मिर्जापुर में, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और जो ये सारी चीजें दिखाई गई है ना वेब सीरीज में, ये भी उत्तर प्रदेश की ही है यार। चाहे वो इसका एक्सेंट हो, चाहे लोगों के कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे गोलू के छोटे बाल हो, जिस तरीके से गोलू के छोटे बाल है ना, ऐसे बचपन में हमारे भी रखवाए जाते थे यार। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा बुरा सा लगता है, आधे लोग तो लड़का समझ लेते हैं यार। वेब सीरीज में यूपी के एलिमेंट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और हमें बड़ा पसंद आ रहा है। अब बस इंतजार है तो इसके तीसरे सीजन का। अब जिसके बारे में मैं तुमसे बात करने वाली हूँ, तुम्हारी फेवरेट मूवी में से एक है यार, आयुष्मान खुराना की बरेली की बर्फी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। जो एक्सेंट पकड़ा है ना यार इसमें आयुष्मान खुराना ने, सच में कमाल का है। और कृति सेनन की तो तारीफ करनी बनती है यार। आयुष्मान खुराना, कृति सेनन, राजकुमार राव, तीनों की जो ये तिगड़ी दिखाई है ना, बड़ा ही मजा है। यूपी के पूरे कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया, जितने भी डायलॉग्स बोले गए हैं वो सारे यूपी के एक्सेंट से काफी ज्यादा मैच करते हैं। इन लोगों ने अच्छी कोशिश की है। साल 2017 में ये मूवी आई थी, तुम इसे नेटफ्लिक्स या Zee5 पर देख सकते हो। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो तुमने बड़ा पाप किया है। कुछ भी कहो यार, जब यूपी के एक्सेंट वाली या वहाँ के टाइप की मूवी या वेब सीरीज आती है ना, तो हम लोग उनसे बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। एक और मूवी आई थी लखनऊ सेंट्रल, तुमने अगर नहीं देखी है ना तो जियो सिनेमा पे देख सकते हो। तुमसे फरहान अख्तर, डायना बेंटी, गिप्पी गरेवाल, रोनित रॉय, राजेश शर्मा, ये सब आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगे। 2017 में ये मूवी आई थी। वैसे ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ फरहान अख्तर ने बढ़िया काम किया था। देखो यार जाकर, यूपी वाली चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश किया है उन्होंने इस मूवी में। यार ऐसे तो बहुत सारी मूवीज हैं, अरशद वारसी की सहर है, इरफान खान की हासिल है, और मैं ओमकारा को कैसे भूल सकती हूँ यार, लंगड़ा त्यागी को कैसे भूल सकती हूँ। ये वो मूवीज है जिनमें यूपी के एलिमेंट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। और अगर तुम दिल्ली NCR के हो तो तुम जिला गाजियाबाद कैसे भूल सकते हो यार। यार ये ना एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसमें विवेक ओबरॉय, अरशद वारसी, रवि किशन, संजय दत्त, और इसको डायरेक्ट किया था आनंद कुमार ने। साल 2013 में ये मूवी आई थी। क्राइम और गैंग वॉर, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो प्राइम पर देख लो यार। ये दिल्ली NCR वाले जितने भी लोग हैं जो डेली गाजियाबाद से गुड़गांव ट्रेवल करते हैं, दिल्ली से गुड़गांव ट्रेवल करते हैं, उनके लिए बहुत ही कमाल की है। और आजकल तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी सेक्सेंट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात अलग है कि सबको आता नहीं है, सही कह रही हूँ ना मैं। ये वो मूवीज हैं जिनमें बॉलीवुड में यूपी के एक्सेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एस्टैब्लिश किया, वहाँ की कहानी और वहाँ के कल्चर को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया। तुम बताओ तुम्हें कोई मूवी पता है क्या, मुझसे कोई मिस हो गई है तो बताना जरूर कमेंट करके कि ये भी बढ़िया है सुहानी, ये भी देख सकती हो। तो मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम एक काम करना, फिल्मी चैट गर्ल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।